हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चतुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे, 2 साल हो गए हैं, ये मेरा नींबू का प्लांट है, कागजी बारहमासी नींबू है जो मैंने सीड से तैयार किया था। ये बीज से तैयार किया हुआ मेरा 2 साल पुराना जो है नींबू का पेड़ है दोस्तों, इसकी जो है आज हम कटिंग करेंगे दोस्तों। कटिंग जब भी आप करें तो ध्यान रहे कि कम से कम जो है घाव इसको पौधे को देने हैं, बेवजह जो है इसकी टहनियां नहीं काटनी होती हैं। बहुत सारे मैंने प्रूनर देखे हैं जो बिना वजह जो है इसकी जो है कटिंग करते हैं, बिना वजह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है घाव दे देते हैं। इनको ज़्यादा समझ नहीं होती है कि पौधे की जो है किस तरीके से जो है कटिंग की जाती है दोस्तों। ये मैंने इसको हवा से बचाने के लिए, कि हवा से ये टूट ना जाए, इसलिए इसको जो है मैंने इसको जो है सपोर्ट के लिए एक डंडे से बांध रखा था। अब इसको जो है मैं थोड़ा खोल देता हूँ दोस्तों। आप भी कुछ इसी तरीके से जो है, जो प्लांट आपका छोटा है और जिसको हवा से जो है वो उसको डैमेज ना हो, उसके लिए आप भी सपोर्ट के लिए डंडे को कुछ इस तरीके से जो है इससे बांध सकते हैं, इससे जो है पौधा जो है डैमेज नहीं होगा हवा से। ये देखिए, मैंने अपने जितने भी प्लांट हैं सभी को जो है इसी तरीके से जो है मैंने सपोर्ट के लिए बांध रखा है डंडे से कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, और काफ़ी जो है इसमें काफ़ी टहनियाँ निकली हुई हैं। ये 2 साल पुराना जो है मेरा पेड़ है, इसको जो है मैं आज आपको कटिंग करके दिखाऊंगा इसकी किस तरीके से कटिंग की जाती है दोस्तों। आप किसी भी कैंची, जो कटिंग के लिए कैंची आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको जो है अच्छे से साफ़ कर लें दोस्तों, उसके बाद ही जो है कटिंग करें, जिससे क्या है कि आपके प्लांट में जम्स ना लगेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है मैंने इसमें ये वाली जो शाखा है इसकी टहनी, इसको हटा दिया है दोस्तों। कम से कम आप ध्यान रहे कि कम से कम घाव जो है पेड़ को देना है, बेवजह जो है इसकी जो है कटिंग नहीं करनी है। ये देखिए, इसमें काफ़ी जो है ये नीचे की जो टहनियां हैं वो जब ये पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें जो है ये पेड़ कि जो नीचे की टहनियां है ये ज़मीन में लगेंगी, तो इसलिए मैं इसको जो है नीचे की जो टहनियां हैं उनको काट दूंगा दोस्तों। ये मैंने जिस टाइम ये ग्रो किया था उस टाइम जो है मुझे फर्स्ट ईयर में भी इसकी जो है कटिंग करनी थी, लेकिन मैंने की नहीं थी। अब इसकी 2 साल बाद जो है मैं कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग करने से दोस्तों पेड़ जो है आपका जल्दी, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगी वो। ये देखिए, ये मैंने नीचे की जो टहनियां हैं उनको काटूंगा दोस्तों। दोस्तों मैं अपने चैनल पे जो है ग्राफ्टिंग से रिलेटेड और फार्मिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो जो है अपलोड करता हूँ, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा कम हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है मैंने ये इसकी कटिंग करनी है दोस्तों। कभी भी जब भी आप कटिंग करें तो ध्यान रखें कि आपको सिर्फ वही ब्रांचेस निकालनी हैं जो बहुत ही कम ग्रो हो रही हो, और जिनको हटाने से जो है पेड़ को ज़्यादा डैमेज ना हो। और ये देखिए, मैंने सिर्फ वही ब्रांचेस निकाली हैं जिनसे जिनके जो है पेड़ को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। ये देखिए, इसमें जो है धूप अच्छे से लगेगी दोस्तों, ज़्यादा घना जो है प्लांट आपको नहीं रखना है, और सिर्फ वही ब्रांचेज मैं निकाल रहा हूँ जो थोड़ी हल्की मेरे को कम ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है जिन पे, और जो डैमेज भी हो रही हैं। ये देखिए,
और दोस्तों कटिंग का जो करने का जो सीज़न है दोस्तों, मैं अभी नवंबर में इसकी जो है कटिंग कर रहा हूं दोस्तों। आप अपने बड़े प्लांट की भी जो कटिंग वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उस पर जो है फ्लावरिंग या उस पर फल और फूल जिस टहनी पे नहीं आए होंगे उसकी ही आप अगर कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ये देखिए, और दोस्तों जितने ही कम आपकी टहनियाँ होंगी उतने ही जो है फल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होगा दोस्तों। ज़्यादा टहनियाँ होने से भी नुकसान ही होता है दोस्तों, उस पर जो है फल ज़्यादा लगेंगे लेकिन उनका जो फल का जो साइज़ है वो छोटा रह जाएगा और इससे जो है पेड़ भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि कागजी जो बारहमासी नींबू होता है इसकी जो है इसमें हर साल जो है फल लगते ही रहते हैं और इस पे कम से कम टहनियाँ जो है आप ग्रोथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ज़्यादा टहनियाँ होने से भी जो फल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा रह जाएगा दोस्तों और पौधे की जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी अच्छे से। और दोस्तों इसकी पेड़ की जो है निराई गुड़ाई जो है टाइमली करते रहें दोस्तों, जिससे जो है इससे ये जल्दी ही अच्छी ग्रोथ पे हो जाएगा और इस पे जो है फल और फूल जल्दी लगेंगे दोस्तों। ये देखिए, मैंने ये नीचे की जो है ये ब्रांचेस निकाल दी हैं क्योंकि ये ब्रांचेस जब ये पेड़ थोड़ा और बड़ा होगा तो ये मेरे को काटनी ही पड़ती, क्योंकि ये जो है नीचे जब पेड़ थोड़ा और बड़ा होगा तो ये नीचे लगेंगी दोस्तों, ज़मीन के साथ टच नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे आपकी जो ब्रांचेस है वो ज़मीन पे नहीं टच होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से जो है मैंने इसकी जो है कटिंग कर दी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आप भी कुछ इस तरीके से जो है आप अपने पेड़ की कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको इसकी नज़दीक से जो है आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से जो है इसकी कटिंग की है। ये देखिए दोस्तों, कभी भी आप किसी भी पेड़ की अगर कटिंग करते हैं तो उसको जो है ध्यान रहे कि जितना ये कम से कम 1-1.5 फुट तक जो है इसकी ब्रांचेस जो है नीचे की काट दें, ताकि पेड़ जो है बड़ा होगा तो उसकी जो टहनियां हैं वो ज़मीन पे नहीं लगेंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से जो है मैंने इसकी पूरी कटिंग कर दी है। तो है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।